चलिए मैं लेके आ गई हूँ आज की रीडिंग। तो आज का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम, और क्या वो दोनों कंटिन्यू करेंगे या अलग हो जाएंगे, या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैं खोल लेती हूँ। ओके, उनके लिए ना इस टाइम एक नई शुरुआत है, जैसे होता है ना एक रिलेशनशिप में उनके लिए नई शुरुआत हो गई है। और कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको ना हर चीज़ नई नई सी लग रही है, उनको ऐसे जैसे पहली बार आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो जैसी फीलिंग होती है ना, सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, उनके साथ इस टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। और आप इस चक्कर में वो ये भूल चुके हैं कि आपके साथ उन्होंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, या आपने उनको कितना सपोर्ट किया हर चीज़ में। इस टाइम उनको वो सब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। और ना मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आगे ही बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में। फिलहाल वो इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी मुझे वो कहीं से भी छोड़ते हुए नहीं दिख रहे। और आप इस चक्कर में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, बट ये यही टाइम है जब आपको भी सोचना है कि अगर आपके पार्टनर किसी और के लिए आपको छोड़ के चले गए हैं तो उनको इसका मतलब, सीधी बात है, उनको आपकी कदर नहीं है, तो फिर आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। फिलहाल मुझे वो कहीं से भी वापस आते हुए नहीं दिख रहे, वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। उनके साथ ही देखिए, उनके साथ ही आगे फैमिली भी प्लान कर रहे हैं, मतलब वही जैसे मैंने बोला, वो आगे ही बढ़ना चाहते हैं उनके साथ। आपके पास मुझे फ़िलहाल वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आपके लिए मुझे ये देखिए, आपके लिए मुझे एक नई उम्मीद दिख रही है कि शायद हो सकता है बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई आएगा, और बट आप ना उसको नज़रअंदाज करेंगे, आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा ध्यान होगा अपने पार्टनर पे जो आपको ऑलरेडी छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ है। प्लीज़ आंखें खोलिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आपका जो आपको अगर कोई नई जगह से ऑफर आता है या कोई आपकी तरफ थोड़ा सा खींचता है तो प्लीज़ अपना हाथ मत पीछे खींचे, उनकी तरफ आगे बढ़िए, आपका उनके साथ बहुत बढ़िया आगे चलेगा। ओके, थैंक यू।